हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों आज ये वीडियो इस टॉपिक पे मैंने बनाया है कि अगर आप टूरिस्ट वीजा पे न्यूजीलैंड आते हो और वहाँ यहाँ परमानेंट सेटअप होना चाहते हो तो क्या आप परमानेंट सेटल हो सकते हो टूरिस्ट वीजा पे, या फिर अगर आप जॉब करना चाहते हो तो क्या टूरिस्ट वीजा पे आप जॉब कर सकते हो। अगर जॉब करते हो तो परमानेंट आपका पैकेज जो बनता है क्या पैकेज बनेगा। तो इसी सब टॉपिक पे आज मैं इस वीडियो पे बात करूंगा। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, और पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी ये बात की जानकारी पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा के बारे में। तो सबसे पहले मैं दोस्तों ये आप लोग को बता दूं कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनके अंदर काबिलियत है, टैलेंट है कुछ करने के लिए, और वो कोई भी प्रकार का जॉब कर सकते हैं न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा पे जाके। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बताऊंगा कि अगर आप न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं तो सबसे पहले आप जब यहाँ से आप टिकट कराएं, जब एयरपोर्ट पे जाएं, तब वहाँ पे ये ना बताएं कि मैं टूरिस्ट वीजा पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे जॉब करूँगा या तो ऐसा अगर आप बोलते हैं तो वहाँ एयरपोर्ट से ही आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, चाहे आप इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, जहाँ के भी हों वहाँ पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। और दूसरी बात, आप लगेज में कोई भी सामान ले जा रहे हैं तो हल्का फुल्का ले जाइए, ये नहीं कि आप घर का सारा सामान उसमें पैक करके एक ही साथ ले जाएंगे। तो आपको अगर सारा सामान आप पैक करके ले जाएंगे या किचन का भी सारा सामान पैक करके ले जाएंगे तो एक ही बैग आप बोलें या ना बोलें, आपको कस्टम जो ऑफिसर होता है वो वहाँ पे लगेज जब चेक करेगा तो उसमें देखेगा तो उसको वहाँ शक हो जाएगा, तब वो बोलेगा कि ये बंदा वहाँ पे जा रहा है सेटल होने के लिए जा रहा है या कुछ करने के लिए जा रहा, घूमने के लिए नहीं जा रहा। तो वो आपको डिपोर्ट उसी तरह आपको बिना कुछ बोले ही आपको डिपोर्ट कर देगा वहाँ पे। तो फिर आप वापस चले आओगे तो आपका पैसा, वीजा का पैसा, टूरिस्ट वीजा मान लो उसका पैसा, टिकट वगैरह का पैसा सारा बर्बाद जाएगा। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन है कि आप न्यूजीलैंड में टूरिस्ट वीजा पे क्या वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर हम परमानेंट अगर सेटल होना चाहें तो सेटल हो सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये सवालों का जवाब है कि अगर आप टूरिस्ट वीजा पे वर्क तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप वर्क या जॉब कोई भी ढूंढना हो तो आप टूरिस्ट वीजा पे जाके ढूंढ सकते हैं, और जब आपको जॉब मिल जाए तो आप वो कंपनी के साथ अपना वीजा एक्सचेंज करा सकते हो, वीजा एक्सचेंज हो जाएगा आपका। ये भी सवाल का जवाब था कि वीजा एक्सचेंज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैंने उसमें ये भी सवालों का जवाब दे दिया आपका कि वीजा आपका टूरिस्ट वीजा एक्सचेंज हो सकता है और टूरिस्ट वीजा पे आप जॉब ढूंढ सकते हो, बट आप जॉब नहीं कर सकते हो। तो ये बात का खासकर ध्यान रखिए। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे नंबर यानी थर्ड सवालों का जवाब आपका देना है। तो आपका थर्ड नंबर का जो सवाल है वो है कि अगर हम न्यूजीलैंड में जॉब करने के लिए जाते हैं तो क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, या फिर हम अपने होम ग्राउंड से न्यूजीलैंड जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको न्यूजीलैंड में जॉब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक CV बनाना पड़ता है, जो कि न्यूजीलैंड फॉर्मेट के अंदर आपको बनाना पड़ता है, और जिसमें 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ता है। और दूसरा कवर लेटर आपको बनाना पड़ता है, वो भी न्यूजीलैंड फॉर्मेट के अंदर ही बनाना पड़ता है। तो ये दो ऑप्शन हो गया। अगर आपको ये दोनों नहीं बनाना आता है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको बना के दे दूंगा, और डॉक्यूमेंट आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं बना के आपको भेज दूंगा, या फिर आपको लाइव वीडियो में बना के भी बता दूंगा कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस बारे में जो भी मैं वीडियो बना के शेयर करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों इसमें और तीसरा नंबर ये है, आपको वही फॉर्मेट के अंदर एक ब्लिंकर का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको अपना डिटेल पूरा भरना पड़ता है, बायोडाटा भरना पड़ता है, और आपको अपना बैकग्राउंड लेटर और अपना आपका नाम पता होता है जब भी सब लिखना पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ ऑप्शन आप बना लीजिएगा, बनाने के बाद ही आप अप्लाई कीजिए, तभी आपका अप्लाई होगा। तो दोस्तों जब ये तीनों चीज़ तीनों ऑप्शन आपका बन जाएगा, CV, कवर लेटर और बायोडाटा आपका बन जाएगा, जब न्यूजीलैंड फॉर्मेट के अंदर सारा कुछ बन जाएगा आपका, तब आप न्यूजीलैंड का जो भी मैं वेबसाइट चार बताया हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो जो बनाया था न्यूजीलैंड के बारे में उसमें बताया हूँ, वो चारों वेबसाइट में से किसी एक वेबसाइट पर आप सर्च कीजिएगा और वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड करके जो भी आपको चाहिए उस पर अपलोड कर लीजिएगा, तब वो आपको मिल जाएगा।
और दोस्तों अब मैं एक बात और अपने तरफ से बताना चाहता हूँ कि अगर आप न्यूजीलैंड जब जाना चाहते हैं तो आप टूरिस्ट वीज़ा लेके जाइए जॉब के लिए, बट उससे पहले आप जो भी मैं वेबसाइट बताया था आपको चार इससे पहले वीडियो में, वो चार वेबसाइट पे अपना जॉब सर्च कर लिया, जब जॉब मिल जाए आपको एक्सेप्ट हो जाए तो एक जब इंटरव्यू आपका हो जाए मोबाइल द्वारा हो जाए फ़ोन द्वारा करके आपको हो जाए, उसके तब आपको वहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए बोला जाए, लाइव आने के लिए बोला जाए, तब आप वहाँ पे जाइए, तब आपका खर्चा भी बच जाएगा और आप सेटल भी हो सकते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये सारी जानकारी समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और आगे बेल आइकन का ऑप्शन है उसको भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का जो भी मैं वीडियो बना के शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर मिल जाए।